मैं अनिल सिंह विशन आप सभी का स्वागत करता हूं आज नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, यूजफुल और लर्निंग रहने वाली है। दोस्तों मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे गया और सैम के बारे में कुछ डेटा सर्च कर रहा था, तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत से यूट्यूब ने ऐसी वीडियो को सजेस्ट किया सैम के रिगार्डिंग। मैंने उन सारी वीडियो को देखने के बाद मैंने स्टडी किया, एनालिसिस किया कि यूट्यूब पर जितने भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर ने सैम के रिगार्डिंग, सैम के बिहाफ पे जो ब्लॉगिंग किया है वो अधूरा किया है। क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ, एक मैं भी एक ऐसे ब्लॉगिंग करूँ जो सैम के पे जो प्रो होने वाली प्रो हो। मैं सैम निकालते कैसे हैं, सैम का फॉर्मूला क्या है, इसके अलावा क्यों ना मैं डिस्क्राइब करूँ सैम को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, क्यों सैम का निकालना किसी भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, गारमेंट इंडस्ट्री सैम पे डिपेंड कैसे रहती है, गारमेंट इंडस्ट्री सैम को कैसे यूज़ करती है। तो दोस्तों मैंने भी सोचा और मैंने भी ब्लॉग में किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये जो ब्लॉग है आज का सैम के ऊपर जो प्रो रहने वाला है वो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो को आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बढ़ने से पहले कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी ने, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के प्लेटफॉर्म पे वही वीडियो को पब्लिश किया जाता है जो गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, अपेरल, स्विंग इंडस्ट्रियल इंजीनियर से रिलेटेड हो, जिसमें कुछ यूज लर्निंग हो, जिसमें कुछ टेक्निक का यूज़ किया गया हो, जो आप सभी को देखने के बाद आप कुछ सीख सकें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। दोस्तों मैंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत सी वीडियो देखा वो जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो ब्लॉगर हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर के जो यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने सैम को डिफाइन किया है। ज़्यादातर वीडियो में मैंने देखा कि ज़्यादातर यूट्यूबरों ने सैम क्या है, सैम की कैलकुलेशंस क्या है समझाए और चले गए। लेकिन मैं आज आप सभी को उन सब चीज़ों से हटकर प्रो चीज़ों को समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। दोस्तों शुरुआत में मैं भी आप सभी को वही चीज़ें बताऊँगा कि सैम होता क्या है, सैम का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आप सब भी ये जान लीजिए, सैम का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड अलॉटेड मिनट, जो पहले से अनुमानित होता है वर्क स्टडी और टाइम स्टडी के बिहाफ पे। उसमें हम क्या करते हैं, अलाउंस को प्लस कर देते हैं, रेटिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रेटिंग क्या होती है दोस्तों, रेटिंग को जान लेते हैं। हमने बहुत से टेलीविज़न में बहुत से कार्यक्रम देखे होंगे, बहुत से ऐसे शो देखे होंगे जिसमें बच्चे डांस करते हैं, बच्चे सिंगिंग करते हैं, उसमें जज होते हैं, जज कहते हैं कि मैं 7 नंबर देता हूँ, मैं 6 नंबर देता हूँ, दैट इज़ ए रेटिंग। हमारे गारमेंट इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी रेटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हम भी रेटिंग देते हैं उसी के बिहाफ पे, लेकिन उनका जो रेटिंग का क्राइटेरिया वो है 10 में से होता है, हमारे 100 में से होता है, उनका अंकों में होता है, हमारा परसेंटेज में होता है। अब बात आती है अलाउंस की। अलाउंस वर्कर को दिए जाने वाला इंडस्ट्री की तरफ से वो छूट होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने पानी पीने भी जा सकता है, पर्सनल चीज़ें भी कर सकता है, मशीन ब्रेक भी होती हैं, वो सब चीज़ें ऐड होता है, जिसको हम 15% देते हैं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया कि अलाउंस होता क्या है, रेटिंग देते कैसे हैं। तो सैम की कैलकुलेशन को जान लीजिए आप। सैम बराबर एवरेज साइकिल टाइम प्लस रेट अलाउंस मल्टीप्लाई रेटिंग। ये अब बात करते हैं कि ये एवरेज साइकिल टाइम क्या होता है। किसी भी प्रोसेस को पूरा करने का जो प्रक्रिया है पिक से लेकर डिस्पोज तक का होता है, यानी कि आइटम को उठाने से लेकर बनाने तक और उसको डिस्पोज कर फिर अगेन नए आइटम को उठाने तक का जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम साइकिल टाइम कहते हैं। एक साइकिल टाइम हमारा पूरा होता है। तो सपोज एक हम ऑपरेशन की बात करते हैं, शोल्डर जॉइंट का जो एवरेज साइकिल टाइम होता है वो आता है 45 सेकेंड प्लस 15% अलाउंस मल्टीप्लाई
60-70% मैं रेटिंग अपना स्टैंडर्ड कर रखा है, इसीलिए मैं देता हूँ, तो मैं 70% रेटिंग देता हूँ। बराबर जो मल्टीप्लीफिकेशन आती है दैट इज अ सैम। अब बात करते हैं कि सैम को निकालते कितने तरीके से हैं। दोस्तों, गारमेंट इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सैम की कैलकुलेशन कई तरीकों से किया जाता है, जैसे PMTS के अकॉर्डिंग। PMTS क्या होता है, PMTS का मेथड क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया, एवरेज साइकिल टाइम प्लस अलाउंस मल्टीप्लाई रेटिंग, ये हमारा PMTS होता है, जो पहले से ही अनुमानित होता है टाइम स्टडी के बिहाफ पे, वर्क स्टडी के बिहाफ पे। दूसरा चीज़ है GST। GST का फुल फॉर्म होता है जनरल स्विंग डेटा। जनरल स्विंग डेटा को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है उसे कहते हैं अवेलेबल मिनट डिवाइडेड बाय डे टारगेट। अवेलेबल मिनट क्या होता है वो जान लीजिए, उसकी कैलकुलेशंस क्या होती है। अवेलेबल मिनट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा टाइम क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है। तो गारमेंट इंडस्ट्री में 8 घंटा के बाद 9 घंटा, 10 घंटा और 11 घंटा तक यूज होती है। हमारे यहाँ तो बेसिकली 8 ही घंटा ही यूज होता है, तो मैं 480 और हमारे यहाँ लाइन जो है मशीन का जो सेक्शन है वो फिक्स है 40 मशीन, नंबर ऑफ ऑपरेटर मल्टीप्लाई वर्किंग आवर्स बराबर अवेलेबल मिनट। अब बात करते हैं टेंटेटिव प्रोडक्शन के। टेंटेटिव प्रोडक्शन हमारा एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि ये गारमेंट है, ये आइटम है, वो 300-400 निकलेगा। जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा सैम निकल जाता है। ये है दूसरा तरीका GST के अकॉर्डिंग। तीसरा जो मेथड होता है वो है प्रो सैम के अकॉर्डिंग। वो सैम थोड़ा सा टफ है, इसके लिए आपको क्लासेस करने की भी जरूरत होगी, कुछ कोड हैं उसको को आपको याद करना होगा, तभी आप प्रो सैम पे काम कर सकते हैं। प्रो सैम का सैम काफ़ी टफ होता है। अब बात करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए सैम का निकालना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कैरियर में सबसे महत्वपूर्ण जो कैरियर होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोफाइल होता है, वो है सैम का निकालना, क्योंकि सैम के बिहाफ पे ही गारमेंट इंडस्ट्री, टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिपेंड करती है, क्योंकि उसके बिहाफ पे जो उनकी डिलीवरी टाइम प्लान होता है, शिपमेंट डेट प्लान होता है, वो सैम के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि सैम की कैलकुलेशन से ही हमें पता चल पाता है कि ये स्टाइल कब तक उतरेगा और कितना उतरेगा। दूसरी चीज़, सैम के बिहाफ पे ही गारमेंट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसकी सेफ्टी प्लान करती है। सैम के बिहाफ पे ही मेन पावर की प्लानिंग्स होती हैं। सैम के बिहाफ में ही मेन पावर की रिक्वायरमेंट पता चलता है। तो दोस्तों, सैम का आना गारमेंट इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आप सभी अगर सैम के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, सैम निकालना सीख रहे हो, तो आप सभी से को बताना चाहूँगा कि अगर आप सैम में परफेक्शन चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी करना होगा लाइन में, तभी आप सैम में परफेक्शन ला सकते हैं, सैम को निकाल सकते हैं और दे सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का जो ब्लॉग है वो आज पसंद आई होगी। अगर मैंने कोई गलती कर दिया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करें, ताकि मैं उन सब चीज़ों को दूर कर अगले वीडियो में अपनी कमी को दूर कर एक नया ब्लॉग बना सकूं, जिसमें उन सब कमियों को फिल्टर कर एक बेहतरीन ब्लॉग बना सकूं। दोस्तों, दिल्ली में तो गर्मी काफ़ी है और जैसा कि देख रहे मेरे माथा पे बहुत पसीना आ रहा है, तो आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत जल्द आप सभी से मुलाकात होगी। जय हिंद।